शिवपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का एक और विवादित बयान सामने आया है। इस बार जंडेल ने कहा कि महावीर सिसोदिया अधिकारियों को धमकाता है। सिसोदिया केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का चेला है। ये मुआवजे की राशि में घपला कर नेताओं में बांट लेते हैं। मैं किसानों की परेशानी लेकर अधिकारियों के पास घार लगाने आया हूँ। मेरे पास 3,000 किसानों के आवेदन पड़े हैं। मैं इन आवेदनों को विधानसभा में ले जाऊंगा। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कानून की किताब मुख्यमंत्री के सीने पर जलाकर उनकी आंखों में फेंक दूंगा। मैं संविधान की किताब को विधानसभा में जलाऊंगा। इस बयान को लेकर बीजेपी ने विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस के विधायक द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान जलाने की बात करना घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि गैर कानूनी है। पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी भाषा और व्यवहार स्वीकार नहीं हो सकता। रजनीश ने लिखा है कि कांग्रेस जानबूझकर लगातार समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। अराजकता पूर्ण माहौल बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रच रही है। संविधान जलाने की धमकी देना उसी का एक उदाहरण है। कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी से लेकर राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी जवाब दें कि वे क्या कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे, अब संविधान जलाने की बात। यह न केवल अराजकता पूर्ण अर्वन नक्सलवादी सोच है बल्कि बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान है। मेरे पास फसल बीमा जो कंपनी है, जो मोबाइल बीमा कराया, उसमें साफ आदेश है कोर्ट के माध्यम से कि सरकार ने हमें जो हमारा पैसा देना था वो नहीं दिया, इसलिए हम बीमा नहीं दे सकते। सरकार किससे जमा नहीं करती हूँ, अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो इस कानून की सप्ताजी को मुख्यमंत्री के सीने पे जला के उसकी आंखों में फेंक दूंगा, इस संविधान को फेंक दूंगा। और ये जो कानून संविधान है, इस कागजों को मैं विधानसभा में जलाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। जो जो भ्रष्टाचार हमारे जिला में है, अभी तक हमने अंग्रेजों का राज्य में भी नहीं देखी। उसमें तो शर्म थी, बड़े लोग न्याय भी करते थे, शर्म भी थी। अब तो अंग्रेज से भी बढ़कर ये अन्याय कर रहे हैं, सरेआम भ्रष्टाचार चल रही है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शिवपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।